हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रेल हब यूट्यूब चैनल एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में कोई अपडेट नहीं, आपको एक जानकारी देनी है, क्योंकि लखीमपुर से मैलानी के बीच अभी तक रेल संचालन शुरू नहीं हो पाया है। तो वो एक बड़ा सवाल है ही, साथ ही में रेल संचालन शुरू हो जाने के बाद कितनी जोड़ी ट्रेनें मैलानी वासियों को मिलेंगी लखीमपुर से मैलानी के बीच, या मैलानी से लखनऊ के बीच कुल कितनी जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, उसकी एक छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आप तक सबसे पहले आ जाए। तो समाचार पत्रों और मीडिया और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुल 5 जोड़ी ट्रेनें मिल सकती हैं मैलानी वासियों को, जिसमें 2 एक्सप्रेस और 3 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। और 2 एक्सप्रेस कौन सी होंगी, एक तो आप सामने देख रहे हैं गोमती नगर एक्सप्रेस जो अभी लखीमपुर आई है, एक इसका विस्तार मैलानी तक होगा, और दूसरी एक साप्ताहिक ट्रेन जो कि पुणे एक्सप्रेस है जो लखनऊ से चलकर पुणे तक जाती है, तो उसका विस्तार भी मैलानी तक होगा। जिसकी समय सारणी कुछ इस प्रकार है कि वो ट्रेन शुक्रवार को यानी फ्राइडे को शाम 4:15 के आसपास पुणे से रवाना होगी, और अगले दिन शनिवार को रात 8:50 पे वो ट्रेन मैलानी आ जाएगी, और फिर रविवार को सुबह 3:20 पे मैलानी से रवाना होगी, और सोमवार को सुबह 8:05 पे वो ट्रेन पूना पहुंच जाएगी। तो ये साप्ताहिक ट्रेन होगी जिसका विस्तार मैलानी तक होगा। तो एक काफ़ी अच्छी खबर है ये कि लखीमपुर, गोला और मैलानी वासियों को एक सीधी रेल सेवा महाराष्ट्र पुणे के लिए मिल जाएगी, जिनको भोपाल, झांसी के रास्ते और खंडवा जैसे जगह की यात्रा करनी है उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि एक सीधी रेल सेवा महाराष्ट्र पुणे के लिए। और साथ ही जो पैसेंजर ट्रेन की मैं बात कर रहा था, जिसकी समय सारणी अभी तक रेलवे बोर्ड ने जारी नहीं करी है, तो वो जैसे ही जारी होगी उसकी कोई भी खबर आएगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा रेल पे। और मान के चलिए नए साल तक जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक रेलगाड़ियों के संचालन की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 25 दिसंबर को डालीगंज और सीतापुर के बीच जो रेल विद्युतीकरण का जो कार्य चल रहा है उसको भी फाइनल करना है, तो वो भी एक प्रेशर है और साथ में ये भी एक प्रेशर है। तो मान के चलिए आखिरी सप्ताह तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, और रेल विद्युतीकरण का जो कार्य चल रहा है सीतापुर से डालीगंज जंक्शन के बीच, वो भी मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगा और बराबर दे भी रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आप लोको रिवर्सल इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।